पर मैं स्पेशल वेरिएबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ग्लोबल स्पेशल वेरिएबल्स, स्पेशल कमांड लाइन वेरिएबल्स, ग्लोबल स्पेशल कांस्टेंट्स। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं Ubuntu Linux 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम पर 5.14.2 और Gedit टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूं। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की मालूमात भी होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका पर्ल ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाएं। स्पेशल वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्पेशल वेरिएबल्स पहले से मुकर्रर वेरिएबल्स होते हैं जो पर्ल में एक खास मतलब रखते हैं। इन्हें इस्तेमाल से पहले इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है। ये डिबगिंग कंट्रोल करने के लिए सर्चेस के नताइज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और फ्लैग्स को जमा करने में इस्तेमाल होते हैं। पहले हम ग्लोबल स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। डॉलर अंडरस्कोर वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला स्पेशल वेरिएबल है। डॉलर अंडरस्कोर बहुत से फंक्शंस और पैटर्न्स को तलाश करने वाले स्ट्रिंग्स के लिए डिफॉल्ट पैरामीटर है। अब एक सैंपल प्रोग्राम के जरिए डॉलर अंडरस्कोर वेरिएबल के इस्तेमाल को समझते हैं। मैं special.pl फाइल खोलूंगा जो मैंने पहले ही बनाई है। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit special.pl& और एंटर दबाएं। special.pl फाइल अब gedit में खुलती है। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूं। यहां दो for each लूप्स हैं। ये दोनों for each लूप्स यकसा नतीजा एग्जीक्यूट करेंगे। लूप की हर आइट्रेशन में मौजूदा स्ट्रिंग डॉलर अंडरस्कोर में रखी जाती है और ये डिफॉल्ट तौर पर प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉलर अंडरस्कोर एक इजाफी वेरिएबल डॉलर कलर के इस्तेमाल को बचाता है। कंट्रोल और एस दबाकर फाइल सेव करें। फिर टर्मिनल पर जाएं और मंदरजा ज़ैल टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें। पर्ल special.pl और एंटर दबाएं। यहां दोनों फॉर ईच लूप्स यकसा आउटपुट देते हैं। डॉलर अंडरस्कोर कैसे इंप्लिसिट यानी जिमनी होता है देखने के लिए एक मिसाल देखते हैं। special.pl फाइल पर वापस जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए कोड का हिस्सा टाइप करें। ये प्रोग्राम first.txt फाइल को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, फिर ये मुकम्मल डेटा फाइल में से सारी लाइनें पढ़े जाने तक लूप करता है। डॉलर अंडरस्कोर प्रिंट वेरिएबल first.txt फाइल से मौजूदा लाइन के कंटेंट को प्रिंट करता है। व्हाइल लूप में डॉलर अंडरस्कोर का इस्तेमाल जिम्मी होता है। हम इसके बारे में मजीद मुस्तकबिल के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। सब रूटीन पैरामीटर्स @_ नामी स्पेशल वेरिएबल में स्टोर होते हैं। सब रूटीन के आर्गुमेंट्स इस अरे वेरिएबल में जमा होते हैं। आम अरेज की तरह इस वेरिएबल पर भी अरे ऑपरेशन जैसे पॉप, शिफ्ट किए जा सकते हैं। मैं इसके लिए एक मिसाल दिखाऊंगा। अब हम एक बार फिर special.pl फाइल पर वापस जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाए तरीके से कोड टाइप करें। ये प्रोग्राम दो नंबर्स के दरमियान मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। @_ एक लोकल अरे है जिसमें दो आर्गुमेंट्स $A, $B को जमा किया जाता है। मतलब ये $_index_0 और $_index_1। प्रिंट स्टेटमेंट दो दिए गए नंबर्स का मैक्सिमम प्रिंट करता है। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। टर्मिनल पर जाएं और पर्ल special.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट के तौर पर दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल परसेंटेज के बाद env की सूरत में होते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मौजूदा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की कॉपी रखते हैं, जैसे मंदरजा ज़ैल की तरह। अब एक सैंपल प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए परसेंटेज env वेरिएबल को समझते हैं। हम special.pl फाइल पर वापस जाएंगे। स्क्रीन पर दिखाए तरीके से मंदरजा ज़ैल कोड टाइप करें। कंट्रोल और एस दबाकर फाइल सेव करें। टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें। टाइप करें पर्ल special.pl और एंटर दबाएं। हम मौजूदा एनवायरनमेंट की तफसील जैसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी pwd, यूजर नेम, लैंग्वेज वगैरह देख सकते हैं।
अब हम एक दूसरे स्पेशल वेरिएबल $0 के बारे में देखेंगे। स्पेशल वेरिएबल $0 में एग्जीक्यूट किए जाने वाले मौजूदा पर्ल प्रोग्राम का नाम होता है। ये आम लॉगिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास first.pl नामी एक फाइल है जिसमें मैं $0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन पर ये फाइल का नाम first.pl प्रिंट करेगा। पर सॉर्ट नामी एक बिल्ट इन फंक्शन रखता है जो अरे को सॉर्ट करता है। एक कंपैरिजन फंक्शन न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए इसके पैरामीटर्स का मवाजना करेगा। ये ऑपरेटर यहाँ जाहिर लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल से दिखाया जाता है। अब इसके लिए एक मिसाल देखते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit sort.pl ampersand और एंटर दबाएं। sort.pl फाइल अब gedit टेक्स्ट एडिटर में खुलती है। स्क्रीन पर जाहिर तरीके से मंदरजा ज़ैल कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। पहली लाइन नंबर अरे को डिक्लेयर करती है। न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑपरेटर नंबर्स के तौर पर दो वैल्यूज का मवाजना करेगा। $a और $b स्पेशल पैकेज लोकल वेरिएबल्स हैं जिनमें कंपेयर यानी मवाजना किए जाने वाली वैल्यूज लोड होती हैं और ये सॉर्ट फंक्शन नंबर्स को सऊदी तरतीब देता है। अब प्रोग्राम को सेव और एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें perl sort.pl और एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि नंबर्स असेंडिंग तरतीब में सॉर्ट होते हैं। अब एक दूसरा स्पेशल वेरिएबल डॉलर एक्सक्लेमेशन देखते हैं। डॉलर एक्सक्लेमेशन स्ट्रिंग के हवाले से इस्तेमाल होने पर सिस्टम एरर स्ट्रिंग रिटर्न करता है। यहाँ इसके इस्तेमाल की एक मिसाल है। hello.txt फाइल के मौजूद न होने पर ये cannot open file for reading, no such file or directory error message प्रिंट करेगा। अब $@ नामी एक और स्पेशल वेरिएबल को देखते हैं। ये एक और बहुत इस्तेमाल होने वाला वेरिएबल है। ये eval या require कमांड से हासिल होने वाली एरर मैसेज रिटर्न करता है। ये मिसाल could not divide illegal division by zero प्रिंट करेगा। $$ एक और स्पेशल वेरिएबल है। ये इस स्क्रिप्ट को रन करने वाले पर इंटरप्रेटर की प्रोसेस आईडी रखता है। डायमंड ऑपरेटर कमांड लाइन पर मखसूस करदा फाइलों में से हर लाइन को पढ़ने में इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए एक मिसाल देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit commandline.pl ampersand और एंटर दबाएं। commandline.pl फाइल अब gedit पर खुलती है। स्क्रीन पर जाहिर तरीके से कोड टाइप करें। फाइल को सेव करें। अब मैं आपको अपनी sample.txt फाइल में मौजूदा टेक्स्ट दिखाऊंगा। अब मंदरजा ज़ैल टाइप करके कमांड लाइन से प्रोग्राम रन करें। perl commandline.pl sample.txt और एंटर दबाएं। ये वो टेक्स्ट है जो हमारे पास sample.txt फाइल में था। अगर कोई फाइल मुतायिन नहीं है तो ये स्टैंडर्ड इनपुट यानी कीबोर्ड से पढ़ता है। पर एक अरे @capitalargv स्पेशल वेरिएबल रखता है। ये कमांड लाइन से सारी वैल्यूज अपने पास रखता है। @capitalargv अरे के इस्तेमाल होने पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। कमांड लाइन से वैल्यूज इस वेरिएबल में खुद ब खुद रख दी जाती हैं। अब ग्लोबल स्पेशल कॉन्स्टेंट्स पर जाते हैं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर और कैपिटल हरूफ में END अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोग्राम के लॉजिकल इख्तिताम को जाहिर करता है। इस स्पेशल वेरिएबल के बाद कोई भी टेक्स्ट नजरअंदाज किया जाता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैपिटल हरूफ में फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोग्राम के इस्तेमाल होने वाले पॉइंट पर इसका फाइल नेम बताता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर और कैपिटल हरूफ में लाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मौजूदा लाइन नंबर को जाहिर करता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर और कैपिटल हरूफ में पैकेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंपाइलेशन टाइम पर मौजूदा पैकेज के नाम को जाहिर करता है या मौजूदा पैकेज न होने पर अनडिफाइन करता है। हम ग्लोबल स्पेशल कॉन्स्टेंट्स के इस्तेमाल पर एक सैंपल प्रोग्राम देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit specialconstant.pl ampersand और एंटर दबाएं। specialconstant.pl फाइल अब gedit में खुलती है। स्क्रीन पर जाहिर तरीके से दर्ज ज़ेल कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ।
स्पेशल हरूफ पैकेज फाइल लाइन प्रोग्राम में इस पॉइंट पर बिलतरतीब पैकेज का नाम मौजूदा फाइल का नाम और लाइन नंबर जाहिर करते हैं। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें perl specialconstant.pl और एंटर दबाएं। हम अपने प्रोग्राम में मौजूदा पैकेज का नाम फाइल का नाम और लाइन नंबर देख सकते हैं। अब ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने Perl में कुछ आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में सीखा। मश्क के तौर पर दर्जेल नंबर्स के अरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग तरतीब देने के लिए Perl स्क्रिप्ट लिखें। नोट: नजूली तरतीब की खातिर मवाजना करने के लिए दर्जेल कोड इस्तेमाल करें। व्हाइल लूप और स्पेशल वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर इस्तेमाल करके सॉर्ट किए हुए नतीजे को प्रिंट करें। प्रोग्राम को सेव और एग्जीक्यूट करें। अब नतीजे को चेक करें। दर्जेल लिंक पर दस्तियाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को असनाद देती है। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद के MHRD के NMEICT की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तियाब हैं। IIT बॉम्बे से मैं वजाहत अहमद आपसे रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया।